तो गैस, जैसा कि आपको बताया था कि बनाने के लिए वो हम लोग ने चार ऐसे बना ली हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कंसील लाइट जो दीवार में फिट होती है उसके बॉक्स लगता है, जो जिसमें आप देखते होंगे उसमें एलईडी बॉक्स लगता है, तो उसका मैंने यूज़ किया। इसका एक कैप भी होता है इसको ऐसे ढकने के लिए, ये वो है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये तो ऐसे है, ढक्कन अभी साइड में रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी एलईडी है वो हम कुछ इस तरीके से इधर फिट कर लेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम लोग फिट कर लेंगे चारों तरफ कि एकदम बराबर की तरफ रहे। ऐसे करके हम लोग इसको फिक्स कर लेंगे, ऐसे हम लोग चारों एलईडी फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसके जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो सब हम लोग कॉमन कर लेंगे पैरेलल कनेक्शन में। तो आप जितने भी नेगेटिव देख रहे हो वो नेगेटिव, और जितने भी पॉजिटिव हम लोग कनेक्ट करके फिर मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें ये अच्छे वायरिंग कर ली है पूरी। इसमें से जो दो वायर आए हैं, आपको जैसे बताया था कि इसमें पॉजिटिव से जितने भी पॉजिटिव है उसको कॉमन, जितने भी नेगेटिव है उसको कॉमन कर लिए मैंने। अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, देखिए जो इसके ऊपर का जो कैप था तो मैंने उसको थोड़ा कट कर लिया। वो मैंने किस हिसाब से कट किया मैं आपको बताता हूँ। जो आप ये सोलर पैनल देख रहे हैं, मैं इस सोलर पैनल का यूज़ करूँगा, तो इस वजह से मैंने इसको कट कर लिया था। इसमें अच्छे से फिक्स हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें फिक्स हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैं एक सर्किट का यूज़ करूँगा। तो ये सर्किट को ये है, इसको इसके पहले वीडियो में मैंने इसको पूरा कंप्लीट बनाना बताया है कि इसमें कैसा है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे, इसमें वायरिंग भी इसकी पूरी कंप्लीट होगी, जो सोलर पैनल और एलईडी और जो बैटरी को यूज़ करेंगे तो इसकी पूरी वायरिंग होगी। तो आप अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वाली देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैंने ये सर्किट पहले ही बना लिया था। तो मैं इस सर्किट को पूरा फिक्स कर देता हूँ इसमें, क्योंकि आपकी वीडियो ना लंबी हो। इस पूरा फिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके, मैंने जो ये लाइट सोलर पैनल और बैटरी कनेक्शन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और आगे क्या करना है हमको। One eternity later. सो गैस, मैंने पूरा कनेक्ट कर लिया। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने फिक्स किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सर्किट था वो मैंने इधर फिक्स कर दिया। मैंने इस बैटरी और इसके बीच में स्विच लगा दिया, अगर आप जब चाहें तब इसको ऑन करके इसको रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज़ चार्जिंग पिन एक्स्ट्रा ऐड की है, इसको आप ना ऐड करिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी इसलिए ऐड कर दिया बाई चांस कि अगर बैटरी का बिल लो हो गई, धूप वूप नहीं हुई, तो मैं इससे भी चार्ज करके इसका यूज़ कर सकता हूँ। मैंने बस ऐसे ही लगा दिया। और इसमें मैंने एक और चीज़ का यूज़ किया है, जो एक छोटा सा बैटरी के अंदर BMS होता है, छोटा वाला मोबाइल की बैटरी के अंदर, उसका यूज़ किया मैंने। और बाकी और कुछ नहीं है, सोलर पैनल है हमारा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद हम इसको फिक्स कर देंगे। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इसको हैंग करने के लिए कुछ बनाएंगे। तो मैंने एक प्लास्टिक का पीस पड़ा था कुछ ऐसा मेरे पास, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको कुछ इस एंगल में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टार शेप में लाइट निकले, तो इस एंगल में हम लोग इसको इधर फिक्स कर देंगे। तो इसको मैं इधर फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद चलिए मैं इसको आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ ये कैसे लग रहा है दीवार पे लगाने के बाद। तो माउंट भी कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इधर देखिए ऐसे अंधेरा होगा, हमारा ये लाइट ऑफ हो रहा है। तो इसमें और कोई दिक्कत, जैसे कि हम आप इसको बाहर लगा देंगे तो दिन भर ये चार्ज होगा और रात में आपको डेकोरेटिंग के लिए भी वर्क करेगा और लाइट भी आपका हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका लाइट, पूरे रूम की लाइट ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ पहले। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लाइट ऑफ कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लग रहा है ये देख सकते हैं आप। इसको आप चाहे तो इसको थोड़ा इस तरफ मूव भी कर सकते हैं टिल्ट करके, कि ये जो लाइट है ये हमारा साइड साइड में हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लगाना चाहते हैं। और बाकी कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।